मैं ये सब स्टैट्स वगैरह नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ फालतू की बात है। जो पीछे हो चुका है उसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि हाँ वो हुआ था तो इस बार भी ऐसे ही होगा। Hello and welcome to Sports Kida York, SK York as we call it. And प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम यॉर्क बोलते हैं हम सोच रहे थे कि हम किसी को यॉर्क करेंगे। अभी फिलहाल T20 वर्ल्ड कप का सिचुएशन अगर आप देखें तो हम लोग यॉर्क हैं। मेरे साथ है हरभजन सिंह। बजी, आई मीन बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है टीम इंडिया की फॉर्म की, लेकिन ऐसा हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी शुरुआत रहेगी T20 वर्ल्ड कप हमारी, और दूसरा ही मैच खेलें। लेकिन इंटरेस्टिंगली फॉर्मेट ऐसा है कि अब हमारे जो सेमीफाइनल के होप्स हैं वो बहुत ही डिम है। क्रिकेट इज अ फनी गेम है ना। एक शुरुआत होने से पहले ना हमें लग रहा था कि नहीं, टीम इंडिया बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी आई बिलीव दैट वी हैव गॉट द टीम जो जीत सकती थी, पर ये फॉर्मेट है सच कि अगर आप एक मैच हार जाते हो उसके बाद दूसरा मैच फिर अगर आप हार जाते हो तो फिर आप यू विल सी योरसेल्फ अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, एंड दैट्स वेयर वी आर यू नो ऑल टुगेदर। टीम इंडिया के साथ साथ हम लोग की भी जो आशाएं बनी हुई थी वो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल चांसेस हैं आगे जाने के। अगला मैच है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 3 नवंबर को, और अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो इट इज नॉट अ टीम दैट यू कैन टेक लाइटली। जिस तरीके से उन लोगों ने प्रदर्शन किया पाकिस्तान के खिलाफ, अभी नबीबिया के अगेंस्ट भी इतने बड़े मार्जिन से जीत के आए, तो ना सिर्फ उनके पास विन्स है उनके कॉलम में, साथ ही साथ रन रेट भी बहुत बढ़िया है, तो पोटेंशियल थ्रेट 100%। You can't take Afghanistan lightly. They are very, very good team and इतनी mature team लग रही है कि उनके पास बल्लेबाजी अगर देखें तो ठीक ठाक बल्लेबाजी है। बॉलिंग की तो बात छोड़ ही दें कि जो उनकी स्पिन चलती है मुजीब और रशीद के साथ वो बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। दिस फॉर्मेट इज सच, जब तक मैच खत्म नहीं होता यू कांट से कि कौन सी टीम है वो जीतेगी या हारेगी, क्योंकि इसमें जो पहले 6 ओवर में बढ़त बना जाता है वो टीम आगे निकल जाती है दूसरी टीम से, तो फिर कमबैक के जो चांसेस हैं बहुत स्लिम हो जाते हैं। इंडियन अफगानिस्तान मिले 5 बार और 4 बार भारत जीता है और 1 बार टाई हुआ था, लेकिन हमें 2019 का वर्ल्ड कप अगर याद हो तो उसमें अफगानिस्तान स्पेशली नबी ने हमें बहुत अच्छे से मात देने के बहुत करीब थे, हम सिर्फ 11 रन से जीते थे, वो तो थैंक्स टू मोहम्मद शामी का हैट्रिक जो हम अफगानिस्तान से जीत गए 2019 वर्ल्ड कप में, तो इतना आसान वो वैसे भी सफर नहीं रखते। एज ए क्रिकेटर मैं ये सब स्टैट्स वगैरह नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ फालतू की बात है। जो पीछे हो चुका है उसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि हाँ वो हुआ था तो इस बार भी ऐसे ही होगा। ऐसे तो फिर हम 12 बार पाकिस्तान से जीते थे तो 13वीं बार भी जीतना चाहिए था जी। जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, वो हो गया है, बहुत बढ़िया है, पर जो आगे है वो हम किस लिहाज की क्रिकेट उस दिन खेलेंगे प्रेजेंट दिन में वो मैटर करेगा। तो 5 बार मिले हैं, जीते हैं, बट वो अफगानिस्तान टीम तैयार हो रही थी, ये तैयार हो चुकी है, तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। तो इनके सामने हम ऐसे नहीं खेल सकते कि इनको लाइटली लेके खेल सके कि नहीं अफगानिस्तान है, ये वो अफगानिस्तान है कि जो बड़ी टीमों को मात दे सकती है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो अफगानिस्तान के बारे में है, और आपने उनका नाम भी लिया राशिद खान, अब राशिद खान हमारे टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट बहुत लीथल रहे हैं, हमारे टॉप ऑर्डर को उन्होंने कई बार चेक किया है, लेकिन जिनका विकेट उन्होंने नहीं लिया वो ईशान किशन। अब टीम कॉम्बिनेशन तो खैर हम हर मैच में बदल रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि हमारा टॉप ऑर्डर इनके खिलाफ खेलेगा कैसे। आबूधाबी में मैच हो रहा है तो आबूधाबी बैटर्स फ्रेंडली पिच भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, और इंडियन टॉप ऑर्डर्स को ही नहीं, इन्होंने हर बल्लेबाज को जो है वो दिक्कत में डाला है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या इंग्लैंड का हो या कहीं का भी बल्लेबाज हो। ये चैलेंज तो रहेंगे, ये इंडियन टीम के लिए भी चैलेंज रहेंगे, और ये बंदा ना दलेर बड़ा है, राशिद बहुत दलेर बॉलर है, ये डरता नहीं है मार खाने से, और जो बंदा डरता नहीं ना हो फिर वो बड़े बड़े कारनामे करता है। तो राशिद इज वन ऑफ यू नो दैट वॉरियर ऑन द फील्ड, कि जब ये जाता है मैदान पे ये जीतने के लिए जाता है, और आई होप कि उस दिन इंडिया की जो बल्लेबाजी हो वो बढ़िया हो, और रशीद को आप संभाल के खेल लीजिए, बाकी के जो बॉलर्स हैं उन पे चांस लीजिए। अगर हम अपने बैट्समैन की बात करें वो सेट क्यों नहीं हो पा रहे, दोनों मैचेस में हमारा टॉप ऑर्डर नहीं टिका। खैरी वो दुबई में मैच था और दुबई में कुछ ऐसा हो गया था कि जितनी भी टीम्स डिफेंड कर रही थी वो आज अभी तक जीती नहीं है, शारजा में जाके खैर जॉस बटलर हमको दिखा दे कि गिओई की पिचेस में कैसे खेला जाता है, अब आबूधाबी में कैसे खेलेंगे हमारे टॉप ऑर्डर। आबूधाबी की जो पिच है वो शायद सबसे बढ़िया है बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि जितने मैचेस वहाँ पे हुए हैं वो बल्लेबाजी के लिए
वो पिच ने दिखाया है कि उस पर रन बन सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि वहां पे हमारे बल्लेबाज जो है पहले 6 ओवर में 2 आउट ना हो। अगर हम पहले 6 ओवर में 2 आउट हो जाते हैं तो फिर हम रिकवरी में इतना टाइम ले लेते हैं कि पता ही नहीं चलता है कब शॉट खेलने शुरू करने हैं कब नहीं। आई बिलीव कि इट्स ऑल अबाउट जस्ट गोइंग आउट देयर एंड मेकिंग श्योर दैट वी आर नॉट वेस्टिंग दोज डिलीवरीज की सिंगल में कन्वर्ट करें और पहले 6 ओवर ध्यान से खेलिए, देख के खेलिए, विकेट ना गवाएं। अगर 40 रन ही बनते हैं टेक इट, और आप जब तक अंदर हो कोशिश करिए कि आप लंबे समय तक वहां पे खेलिए, यहाँ की ऐसा ना हो कि बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाए। जी ये तो खैर बल्लेबाजी की बात हो गई जी, क्योंकि बल्लेबाजी पे हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, हम भारत की टीम है, लेकिन हमारी गेंदबाजी भी बहुत निराशाजनक रही है, चाहे वो आप पाकिस्तान के अगेंस्ट बोले या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बोले। एक बुमराह है जिन्होंने जो जाके थोड़े विकेट्स लिए, बट उसके अलावा कोई काम नहीं आया। आई नो, ये काफी सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी देखना कि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट लिए हैं अभी 2 मैचों में, और पाकिस्तान ऑब्वियसली दे प्लेड रियली वेल अगेंस्ट इंडिया। आई डोंट नो कि कुछ अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल के गए उस दिन, और दे शोड यू नो दे मेंट बिजनेस जब वो ग्राउंड पे उतरे। पर जिस लिहाज की बॉलिंग हुई है इससे मैं भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक हूँ कि बॉलिंग बेटर हो सकती थी। वी हैव बेटर नेम्स, वी हैव बेटर bowlers, you know, who can deliver better than what they have delivered so far. So, apart from Bumrah, you know, Shami need to step in and take those wickets. Varun Chakravarti ko log bahut sambhal ke khel rahe hain, but we have to find a way to get a wicket. Aur agar unko sambhal ke khel rahe hain, to maybe unke liye ek fielder aur andar leke aaiye, taki wo single bhi ruke. Agar single rukega, tabhi to unko bada shot koi khelne jayega, nahi to koi bada shot khelega nahi, to fir kaise out hoga? तो प्रॉब्लम क्या हो रही है बोलर्स के साथ? इज इट द कंडीशंस और ये जो चर्चाएं हुई है मीडिया में या फैंस ने जो प्रेशर डाला है उस उम्मीद की वजह से प्रेशर में आ गए? थोड़ी लाइन जो है ना अभी भी और लेंथ जो है थोड़ी सी पीछे की तरफ है। अगर आपने आउट करना है तो लेंथ थोड़ी सी फास्ट बॉलर की आगे होनी चाहिए, स्लिप जो है वो होने चाहिए, कैचिंग पोजिशन हम देखते नहीं है। वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करने आए, स्लिप नहीं थी, तो इंटेंट जो है ना विकेट लेने वाला इंटेंट दिखा नहीं है। और ऑब्वियसली थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव करनी होगी। अगर बॉडी लैंग्वेज ऐसी रहेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 6 ओवर में अगर विकेट नहीं लेते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेम हार गए, यू कैन स्टिल पुल इट ऑफ। आप देख सकते हो कि बहुत से मैचेस में आप मैच हार रहे होते हो 15 ओवर तक 16 ओवर तक, बट कुछ ऐसा एक बॉलर कारनामा कर जाता है कि 3 ही आउट कर देता है 1 ओवर में, आप दोबारा गेम में आ जाते हैं। तो वो बिलीफ जो है ना वो खोया हुआ है, वो बिलीफ वापस लाने के लिए You need to create some magic on the field. Batters friendly वैसे भी नहीं है वो अभी, तो गेंदबाजों के लिए pro tip या batsman के लिए pro tip? बल्लेबाजों के लिए मैं यही कहूंगा कि 20 ओवर खेलिए, ऊपर के जो 2 बल्लेबाज हैं ओपनर, चाहे वो केएल राहुल आए या रोहित शर्मा आए या फिर ईशान किशन और रोहित शर्मा के रूप में आए, आप पहले 3 बल्लेबाजों में से कोई एक बल्लेबाज जो है वो हमारा 14वें-15वें ओवर तक खेलना चाहिए। अगर वो खेलेंगे तो विल गेट द रन ऑन द बोर्ड, 170-180 फिर लग सकते हैं। पर अगर आप पहले 2 ओवर में ही आउट हो जाते हो 2 प्लेयर तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और बॉलर्स के लिए यही कहूंगा, पहले 6 ओवर में गो फॉर द विकेट, इवन इफ यू डोंट गेट विकेट, इवन इफ यू गो फॉर रन इट्स ओके, बिकॉज इट्स अ फॉर्मेट वे यू विल गो फॉर रन एनीवेज, बट वो माइंडसेट होना चाहिए कि विकेट लेने के लिए जाना है। और 2 प्लेयर्स टू वॉच आउट फ्रॉम अफगानिस्तान से, रशीद खान एंड मुजीब। एक गेम चेंजर आपके अनुसार जो कि भारत से उस दिन परफॉर्म करेंगे? आई वुड लाइक टू बैक वरुण चक्रवर्ती फॉर द सेम। ऑलराइट, क्विक प्रेडिक्शंस वजी, इंडिया अफगानिस्तान? इंडिया आई थिंक दे गोना विन दिस गेम एंड दे गोना प्ले फार बेटर क्रिकेट देन व्हाट वी हैव सीन देम अभी तक खेलते हुए। Fingers crossed, and I know they will because they are hungry. They are really hungry. Our men in blue are hungry for that W in the column. और ये अब जरूरी ही नहीं, अब ये इज्जत की बात भी हो गई, तो for sure it is Team India. Thank you so much, Vaji, for joining us on the show. And you guys stay tuned to Sports Kida. This was SK Yacht.